नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम छठी कक्षा के अंतर्गत पाठ 6 समुद्र तटः, जिसका प्रथम भाग हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा था, अब आगे के भाग में हम जानते हैं। ठीक है बच्चों, कि समुद्र तट में अन्य क्या क्या विषय बतलाए गए हैं। तो आइए बच्चों, हर बार की तरह सबसे पहले हम शब्दार्थ इस पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दार्थों को पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, देखिए सबसे पहले सर्वे जनाः, सर्वे जनाः सभी लोग। स्वैरम, स्वैरम बेरोक टोक, स्वेच्छा अनुसार। ठीक है बच्चों, जहाँ पर कोई पाबंदियाँ नहीं हैं, अपनी इच्छा से कहीं पर भी घूम सकते हैं, मतलब कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। दीर्घतमः, दीर्घतमः सबसे लंबा। तिश्रीषु, तिश्रीषु तीनों। दिशाशु, दिशाशु दिशाओं में, तीनों दिशाओं में। बंगोपसागरः, बंगोपसागरः बंगाल की खाड़ी। त्रयाणाम, त्रयाणाम तीनों का। ठीक है बच्चों, संगमः, संगमः मिलन, संगमः मिलन। चंद्रोदय, चंद्रोदय। देखिए बच्चों, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, चंद्र जमा उदय, चंद्र जमा उदय अर्थात चंद्रमा का उदय। ठीक है बच्चों, सूर्यास्तम, सूर्यास्तम, सूर्यास्तम यह भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सूर्य जमा अस्तम अर्थात सूर्य का छिप जाना, सूर्य का छिप जाना। युगपदेव, युगपदेव युगपद जमा एव, युगपद एक साथ एव ही। तो बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दार्थ। अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। देखिए बच्चों, मुंबई, मुंबई नगरस्य नगर के, जुहू तटे, जुहू तटे सप्तमी विभक्ति एकवचन। ठीक है बच्चों, जुहू तटे, तटे यानी के जुहू तट पर। ठीक है बच्चों, सर्वे जनाः सभी लोग। स्वैरं विहरन्ति, स्वैरं बेरोक टोक, विहरन्ति घूमते हैं, बेरोक टोक घूमते हैं। आगे देखिए, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। अब देखिए, चेन्नई नगरस्य के, चेन्नई नगर का, चेन्नई नगर का मेरीना तटः, मेरीना तट अर्थात मेरीना नाम का जो किनारा है, मेरीना नाम का किनारा। देशस्य देश के, सागर तटेषु सागरीय किनारों में, सागरीय किनारों में मतलब सागर तटेषु सागर के तटों में। ठीक है बच्चों, दीर्घतमः, दीर्घतमः सबसे लंबा है। अब देखिए, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागरीय तटों में सबसे लंबा है। तो बच्चों, ये थे कि भारत के जो मुख्य मुख्य सागरीय तट हैं, जैसे कोची, विशाखापट्टनम और भी हैं, जैसे कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, जैसे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम है विदेशी व्यापार के लिए जाना जाता है, और इसके अतिरिक्त हैं जैसे गोवा तट, गोवा का तट है वो तो सबको पता है कि वहाँ पर विदेशों से घूमने के लिए लोग आते हैं। ठीक है बच्चों, कि वो घूमने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है।
और उसी तरह से मुंबई का जो जुहू तट है वहाँ पर भी लोग घूमने के लिए आते हैं। और यहाँ ये एक ऐसा किनारा है जहाँ पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, लोग अपनी इच्छा से बेरोक टोक वहाँ पर घूमते हैं। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो कि चेन्नई नगर का जो मेरीना तट, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागरीय तटों में सबसे लंबा है। ठीक है बच्चों, अब आइए देखिए आगे पढ़ते हैं। भारतस्य तिश्रेषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति। अब क्या बता रहे हैं कि भारत के तिश्रेषु तीनों दिशाओं में, दिशासु दिशाओं में, तिश्रेषु तीनों, ठीक है, कि भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्री तट हैं, समुद्री किनारे हैं। भारत की तीनों दिशाओं में समुद्री किनारे हैं। अस्मात् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अब देखिए कि अस्मात् इस, एव ही, कारणात् कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, कि इसी कारण से भारत देश प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीप क्या होता है बच्चों? प्रायद्वीप जिसके तीनों ओर समुद्र हो, जिसके तीनों ओर समुद्र अर्थात सागर हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर समुद्र हो। ठीक है बच्चों, तो भारत कैसा देश है? जिसके तीनों ओर सागर हैं। अब देखिए वो सागर कौन कौन से हैं। देखिए पूर्व दिशायाम बंगोपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागर, पश्चिम दिशायाम च अरब सागर अस्ति। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशा में बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, बंग नाम का उपसागर, ठीक है, बंग नाम का उपसागर अर्थात बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, ठीक है बच्चों, हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में च और अरब सागर है, अस्ति है। देखिए पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है बच्चों, तो हो गए इसके तीनों ओर सागर। आगे देखिए एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। अब देखिए एतेषां इनका, ठीक है, त्रयाणाम तीनों का अपि भी सागराणाम सागरों का संगमः मिलन कन्याकुमारी तट पर भवती होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं इसमें कि इन तीनों सागरों का भी, कि जो ये तीन सागर तीनों दिशाओं में तो हैं लेकिन इनका मिलन कि इन तीनों सागरों का भी मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। इन तीनों सागरों का भी मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। ठीक है बच्चों, कि कन्याकुमारी तट भारत के बिल्कुल नीचे दक्षिण भाग में, मतलब दक्षिण दिशा में, दक्षिणी भारत में बिल्कुल नीचे कन्याकुमारी नाम का तट है जहाँ पर इन तीनों सागरों का मिलन होता है। ठीक है बच्चों, इन तीनों सागरों का एक साइड से, एक दिशा से बंगाल की खाड़ी, हाँ जी, पश्चिम दिशा से अरब सागर, और दक्षिण दिशा में तो है ही इसके
कौन सा सागर है? हिंद महासागर, मतलब इन तीनों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। आगे देखिए, अत्र पूर्णिमायाम चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदे द्रष्टुम शक्यते। अब देखिए, अत्र अत्र यहाँ पर, अत्र यहाँ पर, कहाँ पर? कन्याकुमारी तट पर। पूर्णिमायाम, पूर्णिमा पर, मतलब पूर्णिमा के अवसर पर। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय। सूर्यास्तम, सूर्य का अस्त होना। च और युगपदेव, एक साथ ही। द्रष्टुम, देखा। द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। देखिए, अत्र यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर, यहाँ पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, कि कन्याकुमारी तट की विशेषता क्या है, कि यहाँ पर पूर्णिमा के अवसर पर, जब पूर्णिमा का दिन होता है, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त दोनों को एक साथ ही देखा जा सकता है। तो देखिए, भारत में समुद्री तटों का कितना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, कि जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य, सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का उदय होना एक साथ दिखाई दे, तो यहाँ पर कितना सुंदर दृश्य दिखाई देता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ 6, समुद्र तट। ठीक है बच्चों, कि समुद्र तट की मुख्य मुख्य विशेषताएं हमें संस्कृत भाषा के माध्यम से बताई गई हैं, जिसके माध्यम से हमने यहाँ पर संस्कृत शब्दों के बारे में भी जाना। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आपको इस पाठ से संबंधित सभी शब्दार्थ और इस पाठ का हिंदी अनुवाद, ठीक है बच्चों, हिंदी अनुवाद प्रत्येक पंक्ति के अनुसार अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखनी है। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य, जो अभ्यास कार्य हैं, वो आपको PDF के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप घर पर रहें, अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और सरकार के नियमों का पालन करें। ठीक है बच्चों, तो इसी मंगल कामना के साथ बच्चों, हमारी आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।